सर मैं आपसे बात करूं जरा ये। थैंक यू वसीम, आप जब तक बात करें मेरे फैंस आए हुए घर के बाहर में जरा। सर यहाँ घर आपको किंग किंग कहते हैं आप? कौन कहता है? अब सर अब लोग कहते हैं। अच्छा, जी जी। किंग क्यों गया था? किंग खान ये क्या? देखो वसीम, मैं जिन खवातीन के साथ हीरोइन आता था जी जी। उनके माँ बाप भी 14 साल के थे जब मैं पहली दफा फिल्म इंडस्ट्री में आया। अच्छा। और अब मैं उनकी नवासियों के साथ भी फिल्म में आऊंगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में इस वक्त सिर्फ 4 ऐसे खान हैं जो हमेशा जवान रहेंगे। 4? अच्छा। आप पूछेंगे कौन? नहीं मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं बताऊंगा। उसमें एक है शाहरुख खान, सलमान खान। कौन? अच्छा सलमान खान। हाँ। आमिर खान। अच्छा अच्छा। और इमरान खान। अच्छा। लेकिन अजीब सी बात यह है कि आपके पास खाली 4 खान है जो जवान रहेंगे। हमारी पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री हमेशा से जवान है और हमेशा जवान रहेंगे। जैसे है जैसे कौन कौन भैया? जैसे कि हमारे हुमायूं सईद भाई हैं, 99 इयर्स ओल्ड, लेकिन आज कितने? बिल्कुल माशाल्लाह। हमारे वो हैं, 2 साल छोटे हैं मुझसे। 2 साल? 2 साल छोटे हैं आपसे। उसके बाद हमारे वो हैं जो सर आए थे, अदनान सिद्दीकी सर। वो मुझसे बड़े। अदनान सिद्दीकी साहब का तो नादरा में रिकॉर्ड नहीं मिलता, इतने पुराने हो, लेकिन जवान है। बस किताबों में आया है कि 350 साल उनकी है। हमारे वसीम भाई माशाल्लाह। यार मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपको पता है मैं जब से आपके साथ शो कर रहा हूँ सब मुझे नीचे कमेंट करते हैं 16 साल के लड़के के साथ शो कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा ये थैंक यू यार, ये अच्छा आपने, ये मैंने अपनी इज्जत बचाई। तो सर लेकिन आप फिर भी बहुत बहुत फिट रखा हुआ आपने अपने आप को। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे है मतलब ये? मैं अपनी फिटनेस पे बहुत तवज्जो देता हूं। अच्छा सर, टेबल मैंने आपका एक रोल देखा है एक फिल्म के अंदर। क्या आपने एक जर्नलिस्ट बनकर एक रोल देखा है 30 सेकंड का? यस मैंने वो देखा है एंड मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। अच्छा मैं आपको आज अपनी एक फिल्म में ऑफर करता हूं। फिल्म में काम नहीं करना? सर वो एक अलग किस्म की मूवी थी, वो पाकिस्तान पे और वो जर्नलिस्ट उस तरह की थी वो। ओके हाँ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी फिटनेस करवा दूंगा। अच्छा। कि जब तुम हर लम्हा पर जोश करोगे हाँ। तो तुम खुश हो जाओगे। सर अगला जो हर लम्हा पर जोश होगा हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शलवार कमीज में आओ, हाफ स्लीव की शलवार कमीज। सर मुझे नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ तक बटन खुले हुए हो? नहीं नहीं सर, सिक्स पैक्स बने हुए जी मैं। और तुम जब बिल्कुल बीच में खड़े हो गए ये करो ना। सर मुझे नहीं करना है। सर मुझसे बात सर ये यार मेरा एक सवाल है सर, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी सी बॉडी बनाई हुई है, बाल भी आपके पूरे हैं, दाढ़ी भी निकलती है, लुक्स भी हैं, फीचर्स भी हैं, साहिर भाई को क्यों कॉपी करते हैं? कौन है ये साहिर? कौन है कौन है ये साहिर जिसको आप कॉपी करते हैं, जिसकी जिंदगी चल रही है? वसीम मैं तंग आ गया हूँ और आज मैं आपके शो के अंदर ये ऐलान कर रहा हूँ। क्या? कि साहिर लोधी पाकिस्तान में मेरी फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज? यस सर, आप फ्रेंचाइज है। साहिर लोधी को वैसे तो नॉमिनीज में बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं सिर्फ साहिर लोधी को चुन रहा हूँ कि वो फ्रेंचाइज है। नहीं नहीं सर, वो बड़े हैं, उनकी अपनी बड़ी पहचान है सर, हमारे पाकिस्तान के टैलेंट है उधर उनकी। आप बैठे मेहमान की तरह, मैं बात करता हूँ। इतना काम करता हूं मैं 24 घंटों में, 38 घंटे में काम करता हूँ और 2-3 घंटे तो आपके मुल्क में मुख्तलिफ नामों से काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। और सर एक मशवरा है, अपनी शर्ट का बटन बंद कर लें, आपका टैलेंट नजर आ रहा है। थैंक यू।